भारत के नीति आयोग एग्रीकल्चर के मैंबर रमेश चंद्र के बयान जिस विच उन्हां केंद्र वालों लियांदे गए तीन खेती कानूनों का एक बार फिर जिक्र करते हुए इन्हां कानूनों नाल किसानां दी आमदन दुगनी होने का जिक्र किया सी, जिस नूं लैके किसानां वालों इस बयान ते असहमति जताई है ते कहा है कि जेकर खेती कानून इन्ने वधिया हुंदे तां इन्हां नूं रद्द करवाउण दे लई इन्ना लंबा संघर्ष क्यों करना पैंदा, जिस विच 800 किसानां ने अपनी जान गवाई है। उन्हारा कहना है कि यह कानून कारपोरेट घराणियां नूं फायदा देने लई बने सन अते एक बार फिर इन्हां दे जिक्र कर भरमाउण दी कोशिश की जा रही है, पर जेकर केंद्र द्वारा इन्हां नूं लागू करन दी सोच रहा है तां किसी भी कीमत ते इन्हां नूं लागू नहीं होण दिता जाएगा। जो नीति आयोग वालों यह बयान दिता गया भी किसानों की आमदन दुगनी हो जानी सी, ये सिर्फ एक ना कह लो भी जुमला कह लो या छलावा है किसानों उन्होंने जी उन्होंने पाड़न आपदे नाल इस एजिटेशन उन्होंने किसानों दफेड़ पाने लई ये बयान दिते गए है भी किसान कितने ना कितने आपस में फट जाण ते इन्हां दे विच कोई आपस में वख वख धिरां दे विच भी कोई इन्हां च खिचोतान पैदा हो जाए तो सरकार की यह नीति है भी इन्हां दे विच कह लो पाटोधाड़ करनी है ताकि जिहड़ा हैगा इह जिहड़े कुछ धिरां नूं आपदे नाल मिला के तो उन्हां तों अखवाउणा चाहुंदे आ भी हाँ जी ये किसानां लई बहुत ज़्यादा लाहेवंद सीगे, पर नहीं ये किसानां लई लाहेवंद नहीं गए ये कानून। तो जो नीति आयोग वालों ये कहा गया भी किसानां दी आमदन दुगनी हो जानी सी ये एक कह लो भी छलावा ही आई किसानां, हाँ जी कारपोरेट घराणियां लई ये तैयार किए गए क्योंकि हमेशा ही उपरली जिहड़ी सरकार है उन्हां सरकारां दा जदों सरकारां बणदियां उस तों उपरलियां उन्हां नूं कारपोरेट घराणे ही उन्हां दा खर्चा चलदे आ, हुण कौन कोई भी मंत्री कह लो प्रधानमंत्री है कोई आपकी जेब चो खर्चा कर नहीं करता गा। आपां पता भी हिंदुस्तान दे विच जदों चुनाव होंदे आ दुनिया भर दे विच सब तो वध खर्च हिंदुस्तान दे चुनावों ते हुंदा ही, तो वह फिर चुनाव जिहड़े हुंदे उहदा खर्चा आपकी जेब चो नहीं करदे गो, वह कारपोरेट घराणे आ जिहड़ियां वड्डियां वड्डियां कंपनियां वह खर्चा करदियां ते फिर कंपनियां दे अकॉर्डिंग ही इन्हां नूं कानून बनाउणे पैंदे आ। कंपनियां जदों खर्चा करनियां ते वह लाहा भी लैणी आ नवीं बनी सरकार तों, तो इस करके उन्होंने जिहड़े कानून जो भी खेती कानून बनाए गए सीगे कारपोरेट घराणियां दा हुण उन्हां दा इक्को ही सोच सीगी कि जिहड़ा हैगा खेती सैक्टर है इस ते कंट्रोल किया जाए, बाकी सारे सैक्टरां ते तां कंट्रोल किया जा ही चुक्या क्योंकि रेलवे है वह भी विक चुका है, एयरपोर्ट है जिहड़े वह वेचे जा चुके है, हा BSNL वेचा जा चुका है, जिहड़े जिहड़े वड्डे वड्डे सरकारी अदारे सीगे उह सारे वेचे जा चुके है, तो सिर्फ एक खेती सैक्टर ही रहिंदा सीगा वह भी कारपोरेट घराणा आपके हाथ में करना चाहते हैं, तो जेकर खेती सैक्टर से भी उन्हों का कंट्रोल हो जाता है तो फिर सारे हिंदुस्तान को आपकी मर्जी नाल चलाउणगे आपकी मर्जी नाल जनसदा पा देणगे। एक एवं छलावा ही है भी किसानों की आमदन दुगनी हो जाऊगी, वो सिर्फ उन्होंने थोड़ा जा जलवा जरूर दिखाउणगे केरा थोड़े जे भा दिखाउणगे, किसान कहणगे हाँ जी ठीक है साडे लई लाहेवंद है, पर लंबे समय बाद इसका जिहड़ा असर है वो इन किसानों लई बहुत लाहेवंद नहीं होगा, इन्हां लई नुकसानदायक गांदे है भी कब्जा करना तो यह सीधा ही जिहड़े कानून है कब्जे वास्ते बनी पहली गल तो यह है क्योंकि इन्हें बनाने की लोड़ क्यों पई। साडियां जिहड़ियां सरकारां है जिवें साडी पंजाब सरकार लै लो जां कोई हरियाणे की सरकार लै लो ये सरकारां है जे सरकारां साडियां सही होण तो मेरा ख्याल इत्थों तक नौबत नहीं आउंदी सी क्योंकि किसानां नूं इन्हां ने जागृति नहीं किया दस्सिया ही नहीं, जिवें कैप्टन सरकार सी इह भी जाके उत्थे विच बैठदे रहे आ, कैप्टन साहब मनप्रीत भी बैठते रहे हैं, साडे इधर बादल के लै लो ये सरकार रही है ये भी विच बैठते रहे हैं, इन्हें जागृत किया ही नहीं किसानों दस्या ही नहीं। जदों किसानों नूं पता लगा उदों पानी है जिहड़ा वो लंघ चुकिया सी, फिर उस तो बाद हुंदी है एजिटेशन शुरू, जदों एजिटेशन साडी रेलवे ट्रैकों तो इत्थों चलती है उदों यही चलती है भी जिहड़े कानून है वापस लो, इन्हां ने वापस नहीं लए, फिर एक संयुक्त मोर्चा बनिया दिल्ली दीआं बरूहां ते बैठे भी इहनूं वापस लो, उस तो बाद कि इन्हां ने भंडणा शुरू करता पंजाबियों नूं भी ये नक्सलवादी है ये अत्तवादी है ये माओवादी है, फलाना बहुत कोशिशां कीतियां लड़ाइया झगड़े इन्होंने कोई कसर नहीं छड्डी सरकार ने आपदी, जदों इन्हां नूं एंड पता लगा ना भी ये इत्थों नहीं उठते इहदा कोई ना कोई हल कढ़ना पऊगा, नाल दी नाल ही अपने इलैक्शन आ गए दो चीज़ां रल गईआं, जदों इन्हां नूं इलैक्शन आ गए इन्हां दी मजबूरी बन गई भी इहदा जिहड़ा हल है इहदा कोई ना कोई कढ गए, तो मोदी सरकार ने गुरु नानक देव जी दे गुरपुरब ते इकदम ऐलान करता भी ये जिहड़े मैं कानून वापस लैंदा। जदों उन्होंने कानून वापस लैण की गल चली उदों किसानों की एक गल चली भी यह जिन्ना चिर राष्ट्रपति की मोहर नहीं ना लगती साडे माणयोग दी उन्ना चिर असीं उठ के नहीं जांदे, जदों इन्हां दी उत्थे मोहर लग गई मता उत्थे विधानसभा च राज सभा च पास हो गया बैक जावड़िया
उस तो बाद कोई गल रह नहीं जाती। हुण जिहड़े बयान दिंदे आ आपां आ जाईए जिवें गरेवाल साहब दिंदे आ जां कोई इठले बंदे दिंदे, कोई तुक नहीं रह जाती। बयान देंदी इक सिर्फ आपदे कामां नूं खुश करन दी खातर, जिवें माड़ा मोटा कोई नीति योग आ जां उत्थों कोई बयान दे दिंदा जी ते फिर आपां इहदे विचार कर लईए, जां इह लाहेवंद सी किसानां वास्ते, असीं तां वधिया कीता सी, वधिया इहनां ने कीता सी कारपोरेट घराणिआं वास्ते, ना कि साडे वास्ते। किसानां वास्ते वधिया नहीं सी कीता इहनां ने, आपदे जिहड़े मगर इहनां दे बैक जिहड़ियां चार पंज कंपनियां जिहड़ियां गांह सामराज तक पिछों तक चलदियां उहनां दी खातर। हाँ, जे लागू हो जांदे तां उहनां नूं फायदा होणा ही होणा सी, इहदे 'च कोई दो रहा नहीं। हुण की आ वी जिहड़ा साडा खेती सैक्टर है ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਗਈ, ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਨਾ ਵੀ ਝੋਟੇ 'ਤੇ ਜੂਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੂਆਂ ਕੱਢ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਝੋਟਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੂਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਰਗ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, 800 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਮੌਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।